श्रिया क्या कर रही है? भैया मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं गेम बना रही हूँ। ये तो बस 5 मिनट का काम है मेरे, मैं तो कहो अभी बना दूँ। इतना इजी है बनाना? और क्या, तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ, मैं तुम्हारे देखो गेम रेडी करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कॉफ़ी बना के आ रही हूँ, मुझे गेम रेडी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं गेम बनाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने गेम को डिज़ाइन करने के लिए बिल्ड बॉक्स का इस्तेमाल करूँगा। इस सॉफ्टवेयर में कई ढेर सारे गेम के प्री मेड टेम्पलेट दिए गए हैं, जिनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं स्पेस शूटर गेम को डेवलप करूँगा, तो चलिए समय को अपने स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने गेम को सेलेक्ट कर लिया, आप एसेट लाइब्रेरी से किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे एड टू प्रोजेक्ट में ले जा करके ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने स्पेस शिप को चेंज करूँगा। तो मैंने पहले से ही स्पेस शिप के फ़ोटो को डाउनलोड करके रखा था, तो मैंने इसमें इसे इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसकी साइज़ को छोटा कर देता हूँ, क्योंकि गेम में स्पेस शिप का साइज छोटा ही रहेगा। तो अब आप डबल क्लिक करके बुलेट पे आप उसका रोड मैप खोल लें। और जैसे ही मैंने रोड मैप को खोला, तो इसमें 3D मॉडल को मैंने डिलीट कर दिया और मैं इसमें एनिमेशन को ऐड करूँगा। तो मैं बुलेट की जगह मिसाइल चाहता हूँ कि उसमें मिसाइल निकले, तो इसलिए मैंने मिसाइल से कई ढेर सारे फ़ोटोज़ को, सेम फ़ोटोज़ को इसमें पेस्ट कर दिया। और इसके मैंने साइज़ को फिर से रिसाइज भी कर दिया, तो ताकि छोटा दिखे। अब ये मेरा बुलेट तैयार हो गया। अब इसमें आप लूप को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि ये इमेज बार बार आकर के लूप में आपको दिखे। वहीं अब पॉइंट पर डबल क्लिक करके उसका भी रोड मैप मैंने खोल लिया। इससे आप जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं एनर्जी बूस्ट उस टाइप के, तो उसे उसका भी मैंने 3D मॉडल डिलीट करके इसमें एनिमेशन लगा दिया। और मैं पॉइंट की जगह इसमें एप्पल का इस्तेमाल करूँगा। मैंने 3D मोड को इसमें ऑफ कर दिया है और इसको मैंने पहले रिसाइज कर लिया, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं इसके एनिमी वाले पोर्शन पे जा करके उस पर डबल क्लिक करके उसका रोड मैप खोल लिया, और मैंने इसमें डिफीट में से जा करके उसके रोड मैप में से डिफीट के और एनिमेशन के ये दोनों बॉक्स को डिलीट कर दिया। और मैंने साथ में ही स्टार्ट में ये मॉडल और रोटेट इन दोनों को भी डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डिफीट होने के बाद वैसा एनिमेशन ना आए। अब मैं इसकी जगह पर भी एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस एनिमेशन को मैं स्टार्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट करना हमेशा ज़रूरी है, तभी ये वर्क करेगा। और मैं इसके बदले एस्टेरॉइड की एक इमेज ले लेता हूँ, और इसको भी मैं डिसाइज करके अपने गेम के हिसाब से इसमें लगा देता हूँ। अब ये गेम हमारा लगभग तैयार है। आप चाहें तो इसमें बैकग्राउंड इमेज और काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जैसा चाहें इस गेम को कस्टमाइज करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अब मैं इस गेम का प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। वैसे गेम को चलाने के लिए आपको इसका ही एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, बाद में आप इसे प्ले स्टोर में अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा गेम, देखिए रेडी हो गया। तो ये हमारा प्लेन जिसे मैंने सेलेक्ट किया था, और ये हमारा बुलेट, और ये एप्पल, और ये इस तरीके का एनिमेशन आ रहा है स्प्राइट का। तो ये गेम हमारा 3 मिनट के अंदर रेडी। आपकी कॉफी। थैंक यू। ये लो तुम्हारा गेम। वाओ भैया, इतना जल्दी गेम भी बन गया। और क्या, क्या इसे मैं अपने मोबाइल में भी चला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, इसको तो तुम अपने प्ले स्टोर पे भी अपलोड करके उससे पैसे भी कमा सकती हो। इट्स अमेजिंग, थैंक यू भैया। वही ये गेम अभी इनिशियल स्टेज पे है, और इसमें काफ़ी ढेर सारे कमांड और चीज़ें को ऐड करना है। लेकिन आप चाहें तो इस गेम को अपने मोबाइल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। वहीं आप इसके डायलॉग बॉक्स में कमांड को ऐड कर सकते हैं, या फिर उसे हटा भी सकते हैं, और साथ में बैकग्राउंड को अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस गेम को मोबाइल फ्रेंडली ही बनाऊँगा, तो इसलिए मैं हमेशा मोबाइल के हिसाब से ही इसमें बैकग्राउंड को और उसके साइज़ को इसमें चूज़ करूँगा। तो इसके साथ ही आप अपने हिसाब से गेम को पूरी तरीके से इसमें कस्टमाइजेशन के ढेर सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, और आपको उसके लिए किसी भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। वहीं आप अपने किसी भी टेम्पलेट की साइज़ को छोटा बड़ा
वहीं इसके कैमरा एंगल को भी कम ज़्यादा और किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना हो या फिर करेक्टर की करेक्टरिस्टिक को बदलना हो, उसमें ब्रेन इवेंट या फिर ब्रेन बॉक्स को ऐड करना हो, उसके बिहेवियर को चेंज करना हो, उसके साथ किसी और चीज़ को लगाना हो, टाइटल लाइट्स, काफ़ी इसमें ढेर सारे आपको ऑप्शन दिए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गेम को डेवलप कर सकते हैं। वहीं आप इसके गेम का प्रीव्यू भी देख सकते हैं बीच बीच में और चाहें तो उसको मोबाइल के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।